नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। सोलन में एक युवक ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। सोलन में बीती रात तोप की बेड़ पंचायत के मल्लो गांव के रहने वाले 26 वर्षीय युवक द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जब सुबह परिजनों ने युवक का कमरा खोला तो युवक को छत से लगे हुए फंदे के साथ लटकता हुआ पाया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया है। युवक की पहचान 26 वर्षीय दीपक के रूप में हुई। अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी शिव कुमार शर्मा ने बताया है कि सुबह सपून चौकी को सूचना मिली थी कि तोप की बेड़ पंचायत की मल्लो गाँव में एक युवक ने फंदा लगाया हुआ है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पुलिस आत्महत्या करने के कारणों की जांच कर रही है। आज मॉर्निंग में 8:55 पे हमें सपरून चौकी में सूचना मिली थी कि एक मनलो गांव पड़ता है, वहां पे किसी व्यक्ति ने हैंगिंग कर ली है। इस पे पुलिस की टीम एसएचओ की लीडरशिप में खुद वहां स्पॉट पे गई थी, तो वहां पे पाया गया कि एक मिस्टर दीपक हैं जो कि मनलो गाँव का ही रहने वाला है। 26 ईयर्स ओल्ड इसकी एज है। इसने अपने कमरे में फैन की हुक के साथ कंबल से लटक के आत्महत्या कर ली है। इस पे पुलिस ने बॉडी को कब्जे में ले लिया है और फर्दर 174 सीआरपीसी की कार्रवाई चल रही है। फर्दर पोस्टमार्टम बॉडी का करवाया जा। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।